शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दीदी आपसे एक बात पूछूं? वैशाली दीदी मुझसे इतना चिढ़ती क्यों है? उनको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है नियति कि वो तुमसे चिढ़ती है? उनकी बातों से जाहिर होता है दीदी, वो जिस तरह से मुझसे बात करती है, मेरी हर बात का मतलब उल्टा निकालती है वो। अब इन सबका मतलब मैं क्या समझूं दीदी? उसे गलत मत समझो नियति, वो एक्चुअली ऐसी है नहीं जैसा आजकल वो बिहेव कर रही है। लेकिन कुछ औरतें होती हैं जो प्रेगनेंसी की शुरुआत में कुछ चिड़चिड़ी हो जाती हैं, और खास करके वो जिन्हें ये खुशी बहुत देर से मिली हो। बस और कोई बात नहीं है। हो सकता है यही बात हो दीदी, लेकिन फिर उनको वो ताबीज पहनने से इतना एतराज क्यों है दीदी? मम्मी जी ने उनको वो ताबीज उनके बच्चे और उनकी भलाई के लिए तो पहना है। तो वैशाली समझी ना? पता नहीं दीदी। अरे माँ जी आप बड़े समझदारी की बातें हो रही हैं। बातें सुन रही थी तुम दोनों की। कम से कम तुम दोनों को तो यकीन है ना कि जो भी कुछ मैं वैशाली को कहती हूँ वो सब सही होता है। पर बड़ी का कहना भी सही है, प्रेगनेंसी के समय कई औरतें एकदम चिड़चिड़ी सी हो जाती है। ऐसे में तो उसे पूरा सहयोग देना चाहिए, कह देना चाहिए कि भाई जो वो कर रही है और जो वो कह रही है सही है। देखो ना, आजकल मैं भी तो वैशाली की गलतियों को नज़रअंदाज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो मुझे एक पोता या पोती देने वाली है। वैशाली की किसी भी बात का बुरा मत मानना। जी मैं जानती हूँ छोटी, वो हो सकता है तुम्हें कुछ भला बुरा भी कह दे, ऐसी बात कह दे जो तुम्हें चुप जाए, पर दिल बड़ा रखो, माफ कर दो। देखो कितना प्यारा मुन्ना है, मुझे बिल्कुल ऐसे ही मुन्ना चाहिए। कौन सा? वो? हाँ। अरे वो तो लड़का है, तुम्हें क्या लगता है हमारे लड़का ही होगा? हाँ मुझे तो पता है, हमें वही मिलता है जो हम पूरी शिद्दत से चाहते हैं। ओफो, ए, अच्छा बाबा हमारे लड़का ही होगा, ठीक है। पर ऋषि, हम अपने बेटे को ना वो बंटी और पिंकी वाले स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। क्यों, उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है तो? पर ऐसी कोई अच्छाई भी नहीं है। अच्छा बाबा, इस बारे में हम अभी से क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बाद में सोच लेंगे जब वक्त आएगा तो। ठीक है, तुम तो अभी अपनी सेहत के और अपने बच्चे की सेहत के बारे में सोचो। मिसेस सुशील शास्त्री जी, आइए अब आपका नंबर। जी आज की रात देखना बच्चे, सिर्फ और सिर्फ मैच। मेरे होते हुए आपने सोच भी कैसे लिया कि आप जीतेंगे? तेरा बाप जो हूँ। खेल में कोई बाप बेटा नहीं होता। तो बात बताऊं तेरी नियति को? क्या बताइए पापा? हाँ बता दीजिए, मैं क्यों डरूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अरे बेटा कभी भी नहीं, हर गेम में ये हार जाता था, हारने के बाद फिर रोना शुरू कर देता था और बच्चों की तरह रोता था। अरे ये झूठ बोल रहे हैं, ये खेल में जीतने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। अबे चुप। अरे बेटा जब रोने से काम नहीं बनता था ना, सबसे लड़ाई करता था, गोटियां इधर उधर फेंक देता था और खुद नहीं जीत सकता था इसलिए कहता था मैं किसी को नहीं जीतने दूंगा, ये कोई बात है? अच्छा वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे इस खेल में कोई नहीं हरा सकता। क्या लगानी है शर्त? आपसे कौन शर्त लगाएगा भाभी? हिम्मत नहीं है शर्त लगाने की तो कह दो ना। नहीं नहीं क्या बात, खेलते हैं ना, स्टार्ट करो स्टार्ट करो।
नहीं मैं नहीं खेलना पापा, आप लोग चीटिंग कर रहे हो। देखा मैंने कहा था ना जब ये हारता तो ऐसे रोना शुरू कर देता। अच्छा अरे तुम रो क्यों रहे हो? पापा एक काम करते हैं, हम इनको डबल चांस दे ही देते हैं। ठीक है ले ले डबल चांस। वैशाली को मिर्च मसाले के खाने से दूर रहने को कहा है, फिर भी इसने आते आते रास्ते की चटपटी चाट खा ली। भाभी सॉरी, इतनी सी चाट से ना कुछ भी नहीं होता है। वो क्या है ना, घर का खाना खा करके मैं बोर हो गई थी इसलिए खा ली। लेकिन वैशु डॉक्टर ने कहा है ना, इसलिए तुम्हारे लिए वही अच्छा है घर का खाना। अरे डॉक्टर तो बोलेंगे, वो इसी बात के पैसे लेते हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ, ये मत खाओ वो मत खाओ। लेकिन दीदी डॉक्टर तो आपके भलाई के लिए कह रहे हैं ना, अगर आप परहेज करेंगे तो आप ही की हेल्थ ठीक रहेगी। अपनी भलाई की बात मुझे भी समझ में आती है, अपनी सेहत की चिंता मुझसे ज्यादा और किसे होगी? तो तुम लोग मुझे उपदेश दे रहे हो, मिठाई खाइए। मिठाई किस खुशी में है? खुशखबरी, वैसे आप सुनेंगी या खाएंगी, वैसे ये मिठाई है ना आपको खिलानी चाहिए थी, क्योंकि ये खुशखबरी आपके लिए है। मैं तो अपने आप को रोक नहीं पाया भैया, हाँ इसलिए मैं इसको लेकर आ गया हूँ। पैसे तो आप दे ही देंगी, क्यों? वो तो ठीक है दुबे जी, लेकिन खुशखबरी क्या है बताइए ना। पहले आप मिठाई तो खाइए। अच्छा ठीक है, अब ठीक है, अब बताइए। अब आप मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे एक A1 ट्रीट देंगे। पक्का प्रॉमिस, आपको ट्रीट मिलेगी। वादा? पहले आप खुशखबरी बताइए वरना। बस ऑफिशियली डिक्लेयर तो नहीं हुआ है, लेकिन अंदर की बात यह है कि सुना है आपका प्रमोशन हो रहा है। सच्ची दुबे जी? कब? अगले महीने, और साथ में सैलरी भी बढ़ रही है। दुबे जी मैं ना, देखा मैंने कहा था ना नीति जी कि ज्यादा काम करोगी जम के काम करोगी तो प्रमोशन पक्का है। यही तो फर्क है मुझ में और जादव जी में, मुझे काम करने वाले बंदे जो होते हैं ना वो ज्यादा पसंद है, उनकी ज्यादा परख है। तभी तो मैं आपको देखते ही पहले पहचान गया था कि आप ज्यादा काम करने वाले हैं। देख लो मेरे चुनाव का नतीजा है कि आपको इतनी जल्दी प्रमोशन मिल गया है। दुबे जी सच में आपका आशीर्वाद तो हमेशा रहा है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। हाँ? जब तक ये प्रमोशन का लेटर नहीं आ जाता ना ऑफिशियली, आप ये बात किसी को मत बताइएगा। किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। अरे मुझे तो मेरी ट्रीट से मतलब है, अगर आप कहेंगी तो ये मेरी मुंह बंद करने की कीमत है। क्यों? अरे मजाक कर रहा हूँ भैया, आप मिठाई तो खाएंगी नहीं? मैंने ली। नहीं ना? आप खाइए। दुबे जी थैंक यू। पापा को बताती हूँ, अनिल मम्मी कितनी खुश होंगी।
नहीं, अभी नहीं, पहले प्रमोशन पक्का हो जाए उसके बाद, तब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अंबर क्या कर रहा है? पीवी है मेरी, उनको प्रमोशन मिला है ना, इसीलिए हम इतने खुश हैं। और ये मेरा तरीका है खुशी इजहार करने का, कोई प्रॉब्लम है? अरे मुझे तो पहली मुलाकात नहीं पता चल गया था कि तुम बहुत सिंसियर लड़की हो, और तुम्हारे जैसी लड़की बहुत जल्दी बहुत आगे जाएगी। अंबर, पहली बार जब हम मिले थे तो अच्छी खासी लड़ाई हुई थी हमारी, तो बिल्कुल भी मत बोलो कि पहली मुलाकात पे तुमने ये भविष्यवाणी कर दी थी। कितने बेशरम हो अंबर तुम, एक तो झूठ बोलते हो ऊपर से हंस रहे हो। सॉरी बॉस, मैं गलती से बोल गया कि पहली मुलाकात में पता चल गया था। एक्चुअली मुझे शायद, हाँ मुझे दूसरी मुलाकात में ये आभास हुआ था कि तुम बहुत सिंसियर लड़की हो, बहुत जल्दी बहुत आगे जाओगी। नहीं नहीं, तीसरी मुलाकात में। अब मैं जा रही हूँ। अरे सुनो ना, किसी ने सच ही कहा है कि इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, दिन में तारे दिख जाएं ये भी पॉसिबल है, लेकिन वाइफ के चेहरे पे हस्बैंड की कॉम्प्लीमेंट सुन के मुस्कुराहट आ जाए ये इम्पॉसिबल है। चलो ये खबर सबको सुनाते हैं। नहीं अंबर, अभी नेक्स्ट टाइम जब बड़ी भी तनख्वाह मिलेगी ना, तब घर में सबको सरप्राइज देंगे। क्या बात है, मेरे साथ रहकर तुम भी थोड़ी इंटेलिजेंट हो गई हो। हाँ अच्छा। लेकिन मुझे तो ट्रीट चाहिए। चलो चुने जानती आप। नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? बस ठीक हूँ, आइए बैठिए बैठिए। आप कैसी हैं? बस एकदम बढ़िया। और घर में सब? सब। आप बैठे, मैं मम्मी को बुला कर लाती हूँ। हाँ जी। मिसेज चुनेजा, कैसी हैं आप? बस एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठिए। और बच्चे सब ठीक है ना? सब ठीक है, मेरे दोनों बेटे यूएस में सेटल हो गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा पिछली बार वो आपके यहाँ से कांजीवरम की साड़ी ली थी ना, वो छोटी बहू के लिए, तो ऐसी साड़ी अभी बड़ी बहू को चाहिए, मिलेगी आपके यहाँ से? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेंगी, आप दुकान पर आइए ना, बहुत सारे डिजाइन है, सब देख लीजिएगा। आंटी ये लीजिए चाय। माँ जी घबराइए मत, ये सब घर का ही बना है। ये तो ठीक है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, अब तो मिठाई भी खाएंगे। बड़ी जी लाती हूँ। ये गलत बात है दिव्यानी जी, अभी 3 दिन पहले आप हमसे मिली थी और आपने इतनी बड़ी खुशी की बात हमसे छुपाई। जी हम तो आपकी मजली बहू की बात कर रहे हैं, आपने बताया नहीं कि उसका पैर भारी हो गया है। वो तो मुझे डॉक्टर के यहाँ मिली तो पता चला। बहुत बहुत बधाई हो जी। आखिर भगवान ने आपकी सुन ली। क्या जरूरत थी वैशाली को इन्हें ये सब बताने की? अरे दुनिया जानती है जब तक शुरू के 3 महीने सही सलामत ना गुजर जाएं, तब तक अपनी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। जाने कब अकल आएगी मेरी मंजली को। अरे तब से अपशगुन पे अपशगुन किए जा रही है। ये लीजिए आंटी, आपके लिए मिठाई। ये बात हुई ना। एक मिनट मिसेज जुनेजा।
अब वो ये मिठाई इस खुशी में है कि आप इतने दिनों बाद हमारे घर आई हैं। इसे मंजली बहू के पैर भारी होने की खुशी में मत खाइए। आप जानना चाहती हैं ना कि मैंने आपको ये बात क्यों नहीं बताई? असल में हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब तक प्रेगनेंसी के 3 महीने पूरे नहीं हो जाते ना, तब तक ना ये खुशखबरी हम किसी को देते हैं और ना इस खुशी में मिठाई खाते हैं। तो फिर वैशाली ने? अब नादानी में बता दिया होगा उसने। अरे आप मिठाई क्यों रख रही हैं? खाइए ना, लेकिन इसे प्रेगनेंसी की खुशखबरी समझकर मत खाइए। अरे वो मिठाई तो मैं आपको बाद में खिलाऊंगी। नहीं नहीं, अब हम ये मिठाई कैसे खा सकते हैं? अगर आपकी कुछ मान्यता है तो हमें तो उसका सम्मान करना चाहिए। देखिए मिसेज जुनेजा, आप बुरा मत मानिए, वैशाली के मामले में हम बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। वो शायद इसलिए कि शादी के बहुत सालों के बाद बड़ी मुश्किल से वो प्रेग्नेंट हुई है। अब आप समझी ना, अभी ये बात आप किसी को मत बताइएगा। मैं किस किस को जवाब देती रहूंगी? अरे शादी के इतने साल बाद पैर भारी होने का मतलब ये तो नहीं कि परंपराओं को ताक पर रख दिया जाए। शगुन अपशगुन का विचार तो करना चाहिए ना। घर की बहू नहीं करेगी तो कौन करेगा? अच्छा अब हम चलते हैं। अब तो बधाई भी तब भी देंगे और मिठाई भी तभी खाएंगे जब आप खुद बुलाकर खिलाएंगी। नमस्ते बड़ी। खूब खुशी रहे बेटा। हाँ, मैंने तो नाम सोच लिया है। तुम भी नाम सोचो ना, और साक्षी को भी बोलो नाम सोचने के लिए। अरे मॉम को तो मत पूछो, वो तो बहुत खुश है। मंजली जी, जी मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे माँ जी आप कब आए? मुझे कहती मैं आपके पास आ जाती। हेलो, तुम्हें किसने बताया? कौन सी भाषा में तुम्हें समझाऊं जो मेरी बात तुम्हारी समझ में आ जाए? लेकिन माँ जी अब मैंने क्या किया? क्या किया? अरे बस टीवी और रेडियो पे अनाउंस होना बाकी रह गया था कि तुम ना माँ बनने वाली हो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि 3 महीने तक ये न्यूज किसी को मत बताना। बताया था या नहीं बताया था? अब शगुन होता है जी। माँ जी मैं इतनी खुश हो गई ये खबर सुन के कि मुझसे रहा नहीं गया। और रहा नहीं गया? और तुम्हें तो बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए मंजली। अरे हर चीज का एक वक्त होता है। 1.5 महीने की तो बात है, 1.5 महीने रुक जाओ ना, फिर मनाएंगे जश्न। अगर मेरे जश्न मनाने में कोई कमी रह जाए ना तब मुझे कहना तू। अब रो मत, बच्चे की सेहत पे बुरा असर पड़ता है। और मंजली मंजली हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, आखिरी बार समझा रही हूँ, ऐसा कोई भी बचपना मत कर बैठना कि होने वाले बच्चे पे जरा सी आंच भी आए, वरना मुझे कोई ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। समझी?